नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज राजशास्त्र में बात करेंगे बीजेपी डाल डाल तो टीएमसी क्यों है पात पात। आइए, ऐसा क्यों कहा जाता है इस बारे में मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के जो दो केंद्रीय स्कीम थे, जो बीजेपी सरकार की दो योजनाएं थी, उसको ममता ने क्यों नहीं लागू किया। दरअसल वो बीजेपी सरकार की क्या दो योजनाएं थी। सबसे पहले मैं बात करूंगा पीएम किसान सम्मान निधि और दूसरी योजना के बारे में जिसे कहा जाता है पीएम जन आरोग्य योजना। इन दोनों योजना के बारे में मैं आपको बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपया प्रति वर्ष किसान को दिया जाता है, वही पीएम जन आरोग्य योजना के तहत 5,00,000 प्रत्येक परिवार को दिए जाने की योजना है और उसमें 10.74 करोड़, मतलब 10,74,00,000 परिवार को इसमें कवर करने की योजना थी। और इन दोनों योजना को ममता ने अपने यहाँ लागू क्यों नहीं किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ममता ने इसे इसलिए लागू नहीं किया क्योंकि अगर साल 2016 की बात करें, जब पीएम जन आरोग्य योजना लागू किया गया था, तो ममता ने ये कहा कि ये ऐसी योजनाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, वो एक व्यक्ति के लिए प्रचार है। जाहिर तौर पर उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था। उनका ये भी कहना था कि इस योजना के तहत 60% पैसा केंद्र सरकार देती है जबकि 40% पैसा राज्य सरकार को देना है। अगर केंद्र सरकार वाकई इस योजना को बंगाल में इम्प्लीमेंट यानी कि लागू कराना चाहती है, तो उसे राज्य सरकार के जरिए पैसा रूट कराना पड़ेगा। लेकिन इस बारे में जब दोनों के बीच तनातनी हुई, तो फाइनली ये तय हुआ कि ठीक है, आप अपने नाम की योजना, मतलब स्वास्थ्य समृद्धि, स्वास्थ्य साथी, आप स्वास्थ्य साथी नाम की योजना चलाइए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लोग लाभान्वित हो सके इसलिए इसको लागू करिए। पर 6 महीने बाद ही ममता की नीयत बदल गई। ममता को ऐसा लगा कि हेल्थ कार्ड में पीएम का चेहरा होगा और जाहिर तौर पर पीएम ज़्यादातर लोगों तक पहुंच जाएंगे और इससे ममता को नुकसान हो सकता है। जरा सोचिए, साल 2016 में ही ममता ने कैसे बीजेपी के खिलाफ काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार कर लिया था। अगर हम 2019 की बात करें, तो 2019 में भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू करने की बात थी, लेकिन ममता ने उसके एवज में कृषक बंधु योजना लागू कर दिया। कृषक बंधु योजना के तहत प्रत्येक किसान परिवार को उस ममता बनर्जी की सरकार, जो तृणमूल की सरकार है, उसने कवर किया। और मैं आपको बता दूं कि इस योजना के तहत तकरीबन 49,00,000 लोगों को ममता बनर्जी ने कवर किया है, किसानों को, और अभी 2,00,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है। वही मैं अगर स्वास्थ्य साथी की बात करूं, जो कि पीएम जन आरोग्य योजना के एवज में लाया गया था, जिसको बंगाल में नाम दिया गया स्वास्थ्य साथी योजना, इस योजना के तहत 1.4 करोड़ लोगों को कवर किया जा चुका और तकरीबन पिछले 2 सप्ताह में 43,00,000 लोगों का एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी ने एक द्वारे सरकार कार्यक्रम चला करके हर लोग के पास, गवर्नमेंट एट द डोर, ये चला करके, द्वारे सरकार चला करके लोगों को इससे प्रभावित करने की कोशिश की है। और जो दो केंद्र सरकार की योजना है, उसके एवज में अपनी दो योजनाएं चलाई हैं। और ममता बनर्जी की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि केंद्र को ममता बनर्जी से सीखना चाहिए कि किस तरह से स्कीम्स को लागू किया जाता है। और अपने स्वास्थ्य साथी स्कीम को बेहतर बताते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल का एक एक लोग इसके जरिए कवर है और हम सभी लोगों को कवर किए, और एक परिवार को ही कवर नहीं किया बल्कि हमने एक्सटेंडेड फैमिली को भी कवर किया है। जबकि मैं आपको बता दूं कि पीएम जन आरोग्य योजना के तहत जो अंडर प्रिविलेज 40% लोग हैं, उनको कवर करने की योजना थी।
अब इसके साथ ही बीजेपी ने लगातार ममता पे आक्रमण तेज कर दिया। बीजेपी का कहना यह है कि अगर ममता कृषक बंधु प्रोग्राम चला भी रही हैं तो पीएम सम्मान निधि योजना है उसको भी लागू करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि जो कृषक हैं उनको 2 साल में 12,000 रुपये का नुकसान हो चुका है और पूरे राज्य को कहा जाए तो 8,400 करोड़ का नुकसान हुआ, और जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा नुकसान है किसानों के लिए। लेकिन एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि जो सेंट्रल स्कीम्स है जिसके तहत भी पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सकता था उसको काउंटर करने के लिए ममता ने बेहतरीन रणनीति बनाई और उसको अपने यहाँ लागू ही नहीं होने दिया ताकि प्रधानमंत्री का चेहरा चमक नहीं सके और ममता ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल माइलेज इससे उठा सके। धन्यवाद।